ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सो आज का टॉपिक है मालदीव्स के बारे में बात करेंगे। पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ आपके लिए, मालदीव्स को कैसे एक्सपोर्ट करोगे और क्या क्या प्रोडक्ट्स मालदीव्स इंपोर्ट करता है उसके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं। तो फिलहाल वीडियोस आपके लिए बनाना ज़रूरी था क्योंकि मालदीव्स अभी बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट करता है, उनमें से फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। मालदीव्स के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ, मालदीव्स का कंट्री के ऊपर, देश के ऊपर, उनका जो राजधानी, सिटी, पॉपुलेशन, लैंग्वेज पूरे डिटेल्स में बता चुका हूँ। तो मालदीव्स के बारे में ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो मालदीव का जितने सारे वीडियोज है मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर मालदीव के बारे में काफ़ी सारे जानकारी ले लीजिए। ठीक है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कर लीजिए, मालदीवियन वीडियोस, मालदीव्स का वीडियोस, हाउ टू एक्सपोर्ट टू मालदीव्स एंड द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मालदीव्स इंपोर्ट्स। तो फिलहाल मालदीव जो है इंडिया एंड श्रीलंका एंड मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, इन कंट्री से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। और जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है इंडिया एंड श्रीलंका से इंपोर्ट करता था, लेकिन श्रीलंका का इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी 2 साल से प्रॉब्लम में चल रहा है, तो श्रीलंका इज नॉट एबल टू एक्सपोर्ट एनी प्रोडक्ट बिकॉज उनका एग्रीकल्चर पूरा ख़राब हो चुका है, एग्रीकल्चर मार्केट पूरा बंद हो चुका है बिकॉज ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं था उनका देश में। श्रीलंका के ऊपर मैंने वीडियोज़ बना चुका हूँ पहले, श्रीलंका में क्या क्राइसिस हुआ और क्यों एक्सपोर्ट बंद हुआ, क्यों एग्रीकल्चर उनका ख़राब हो गया, पहले बता चुका हूँ। तो इसीलिए मालदीव जो है पूरे डिपेंड करता है इंडियन के ऊपर, इंडियन कंपनीज के ऊपर फॉर इंपोर्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो मालदीव जो है अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और मालदीव का जो इकोनॉमी पूरी डिपेंड करता है टूरिज्म के ऊपर। ठीक है, मालदीव में मैं पहले बता चुका हूँ हंड्रेड्स ऑफ रिसोर्ट्स है, यानी आइलैंड रिसोर्ट्स है, लग्जरी रिसोर्ट्स है, काफ़ी एक्सपेंसिव रिसोर्ट्स है। और इन रिसोर्ट्स में, इन होटल्स में ज़्यादा करके यूरोपियन टूरिस्ट आते हैं अपने छुट्टियां बिताने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन टूरिस्ट आते हैं फ्रॉम रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूके, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ये जो कंट्री से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं छुट्टियाँ बिताने के लिए। जो जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है, यूरोप में बर्फबारी होता है, यूरोप में स्नो गिरता है, तो वहाँ का नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो 5-6 महीना है, ये महीना में, इस मंथ्स में यूरोप में काफ़ी ठंडी पड़ता है, माइनस डिग्री में चले जाते हैं। और वहाँ का जो टूरिस्ट है मालदीव जाते हैं अपना छुट्टियाँ बिताने के लिए। तो मालदीव में ये जो 5-6 महीना हो गया, अभी नवंबर से स्टार्ट हो गया आपका मार्च, अप्रैल, मई तक, इन ये मंथ में, तो वहाँ का जो टूरिस्ट रिसोर्ट्स है, होटल्स है, इन मालदीव पूरा फुल रहता है। इसलिए मालदीव को फूड प्रोडक्ट काफ़ी ज़रूरत रहता है। तो मालदीव ज़्यादा करके 100% फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है इंडिया से, क्योंकि इंडिया जो कंट्री है मालदीव से नज़दीक है। ठीक है, और इंडिया टू मालदीव कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ। तो फिलहाल ये वीडियो है हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मालदीव्स। तो मालदीव में आपको बता दिया, मालदीव में 1100 के अबव आइलैंड्स है, कुछ 150 आइलैंड्स के अबव होटल्स, रिसोर्ट्स है, और कुछ आइलैंड्स में वहाँ का लोग रहते हैं, गांव है, बाकी करीब हज़ारों के अबव रिसोर्ट्स, हज़ारों के ऊपर जो आइलैंड्स है, जंगल है। और हर साल मालदीवियन गवर्नमेंट एक एक आइलैंड्स को साफ करके उसको रिसोर्ट बनाता है और गाँव बनाता है उनका लोग रहने के लिए। ठीक है, तो ये जो रिसोर्ट्स है, होटल्स है, आइलैंड रिसोर्ट्स है, तो मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं हर साल और उनको खाने पीने के लिए फूड स्टफ का ज़रूरत है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का ज़रूरत है। यहाँ का जो आइलैंड्स है, यहाँ का जो द्वीप है आइलैंड्स, वहाँ पर कुछ आइलैंड्स में पपैया और बनानाज होता है और फ्रूट्स वेजिटेबल कुछ भी नहीं है। तो 101% मालदीव इज डिपेंड्स ऑन इंडिया फॉर इम्पोर्ट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो अगर आप भारत से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हो तो मालदीव को आप कोशिश करिए एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आप स्टार्टअप कंपनी हो, फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आप मालदीव को स्टार्ट कर लीजिए। बांग्लादेश भी इंपोर्ट करता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड
श्रीलंका मालदीव्स, ये जो कंट्रीज बता दिया, ये कंट्रीज को आप स्टार्ट कर लीजिए पहले एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन फ्रूट्स एक्सपोर्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए आप मालदीव को कंसिडर करिए, मालदीव को एक्सपोर्ट स्टार्ट कर लीजिए दिसंबर 2022 एंड जनवरी फरवरी में। मालदीव में हो रहा है होटल एंड रिसोर्ट का एग्जीबिशंस, ठीक है। तो इन होटल्स एंड रिसोर्ट का जो एग्जीबिशन होता है वहाँ पर मालदीव का जितने सारे होटल्स, रिसोर्ट्स, गेस्ट हाउसेस एंड वहाँ का जितने सारे हॉस्पिटलिटी कंपनीज वहाँ पर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने आते हैं। तो इसीलिए अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्टर हो तो आपको मालदीव में जाकर इन एग्जीबिशन में ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, तो मालदीव का जितने सारे हॉस्पिटलिटी कंपनीज है एंड होटल्स रिसोर्ट्स है वहाँ का की पर्सन, की पीपल आएंगे यहाँ पर अटेंड करेंगे एग्जीबिशन में। तो आपका कंपनी के बारे में उनको मालूम पड़ेगा, तो आप एक्सपोर्ट करते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो हो सकता है उनके साथ आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, फिर आप कंटिन्यूसली मालदीव को एक्सपोर्ट कर पाओगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अगर आप मालदीव में जाकर एग्जीबिशन में ज्वाइन करना है दिसंबर 2022 एंड जनवरी 2023 एंड फरवरी मार्च में लगातार वहाँ पर एग्जीबिशन होगा। एंड ऑल्सो एग्जीबिशन होता है सिंगापुर में होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का सिंगापुर में होता है, मलेशिया में होता है। अगर आपको मालदीव को एक्सपोर्ट करना है तो आपको ज़रूर मालदीव में जो एग्जीबिशन होता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, यानी हॉस्पिटलिटी सेक्टर का जितने सारे एग्जीबिशन है वहाँ पर आपको कंसिडर करना है, वहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप गूगल में जाकर सर्च कर लीजिए कौन से कंपनीज, कितने सारे कंपनीज वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर आपको वहाँ पर ज्वाइन करना है तो आप हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉरपोरेशन को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको मदद करूँगा वहाँ पर जाकर कैसे वहाँ पर आप ज्वाइन करोगे हॉस्पिटलिटी कंपनी में एग्जीबिशन में। लेकिन ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज है, अगर आप जल्दी हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको मदद करेंगे मालदीव में जाकर कैसे आपको अटेंड करना है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो एग्जीबिशन है, हॉस्पिटलिटी का एग्जीबिशन है, ठीक है। और मालदीव जो इम्पोर्ट करते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, तो ज़्यादा करके जो फ्रूट्स वहाँ पर खाया जाता है, वहाँ पर खाया जाता है पपैया, बनाना एंड वाटरमेलन, ठीक है। ये जो पपैया, बनाना, वाटरमेलन एंड ग्रेप्स, ठीक है, तो ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्या होता है, तो ये वहाँ का होटल्स में, रिसोर्ट्स में यूज होता है, गेस्ट खाते हैं। तो अगर बनाना, पपैया, वाटरमेलन एंड ग्रेप्स, ऑरेंज, ठीक है, ये सब जो फ्रूट्स आप एक्सपोर्ट कर पाओगे तो आप इवन अनार भी तो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाओगे टू मालदीव्स, तो आप मालदीव में जाकर कोशिश कर सकते हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। और वेजिटेबल्स में जो ऑल टाइम वेजिटेबल्स मिलता है, पोटैटोस, टमाटोस एंड आपका बीन्स, फ्रेंच बीन्स एंड आपका कैरट्स, अभी हमारा विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है इंडिया में, तो इंडिया में फ्रेश वेजिटेबल्स मिलेगा, तो आप फ्रेश टमाटो और फ्रेंच बीन्स एंड आपको आपका जो कैरट्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो होटल में, रिसोर्ट में यूज होता है वो हो गया कैरट्स, बीन्स एंड टमाटोस, लेट्यूस और कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, तो ये जितने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स है आप एक्सपोर्ट कर पाओगे टू मालदीव्स। तो मालदीव कैसे एक्सपोर्ट करोगे मैं वीडियोज बना चुका हूँ, आप मेरे पहले वाला वीडियो देख लीजिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। और मालदीव में खुद जाकर मार्केटिंग कर लीजिए, खुद आप जा सकते हो मालदीव में, या आप मालदीव में ऑनलाइन में, ऑफलाइन में मार्केटिंग कर सकते हो। अगर मालदीव में मार्केटिंग करना है तो आप आइदर ऑनलाइन में करिए, ऑफलाइन में करिए। और अगर आपको हमारा कंपनी का कुछ मदद चाहिए मार्केटिंग ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे एक्सपोर्ट मार्केटिंग इन मालदीव्स एंड ऑल्सो एग्जीबिशन, ज्वाइनिंग ऑफ योर एग्जीबिशन इन मालदीव्स और एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग चाहिए आपको मालदीव्स में, हम आपको मदद करेंगे। अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मालदीव्स आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम आपको मदद करेंगे, ऑल काइंड्स ऑफ असिस्टेंस विल प्रोवाइड टू यू, कैसे आपको मालदीव से जल्द एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।